होली का त्योहार आए और हमारे घरों में गुजिया न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गुजिया की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें न तो आपको सूजी की जरूरत पड़ेगी और न ही मावा की, फिर भी एकदम मावे जैसी खस्ता करारी हमारी गुजिया बनके तैयार होगी। और कोई खाकर यह भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बिना मावा या फिर सूजी के बनाया है। तो ऐसी रेसिपी को देखना तो बनता है दोस्तों, और रेसिपी को एंड तक जरूर से देखना। और रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की इस शानदार रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, और पैन में डालना है हमें 1 कप दूध। आपके घर में जो भी दूध इस्तेमाल किया जाता है उसी का आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप इतना ही मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से छोटे छोटे पाउच आते उन्हें भी ले सकते हैं, या फिर बड़ा पाउच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप दूध में 1 कप ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हमें नीचे ही दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडे दूध में इस तरह से हम मिल्क पाउडर मिलाएंगे ना दोस्तों, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी और ये अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। हमारे यहाँ होली पर दोस्तों गुजिया बनती है, मक्के और गेहूं के पापड़ बनते हैं, मीठे पुए और पकौड़ी बनती है। आपके यहाँ दोस्तों होली पर क्या बनता है मेरे साथ शेयर जरूर से करना। और ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैंने मिल्क पाउडर और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चढ़ा देंगे पैन को गैस के ऊपर, और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें इसे पकाना है, और लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे जिससे ये तले पर जलेगा नहीं। और साइड से भी हमें दोस्तों इस तरह से इसे स्क्रैप करते रहना है जिससे ये साइड पर भी चिपकेगा नहीं। मुश्किल से दोस्तों 8 से 10 मिनट ही लगेंगे और हमारा इंस्टेंट मावा बनके तैयार हो जाएगा। यदि आपके पास मावा अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप मिल्क पाउडर से फटाफट से मावा तैयार कर सकते हैं, और फिर इससे आप गुजिया बनाइए। बहुत ही शानदार गुजिया बनके तैयार होती है। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हमारा मावा गाढ़ा हो गया है। हमें इतना पतला नहीं चाहिए इसलिए हम 2 से 3 मिनट और इसे पका लेंगे जिससे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा इंस्टेंट मावा बनके तैयार हो गया है, और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद, और इसे कढ़ाई में ही हम चौड़ा कर लेंगे यानी फैला लेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम इसे ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और हमारा मावा जब तक ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे एक थाली और स्टेनर, और उसमें डालेंगे 2 कप मैदा, और मैदे को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें तो उसे छान कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के कारण बहुत सी बार मैदे में गांठें बन जाती है। मैदे में मोयन लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी का। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह से मैदे में मोयन को लगाना है। हम जितना अच्छे से मोयन लगाएंगे उतनी ही अच्छे से हमारी गुजिया बनके तैयार होगी। और ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने पर मुट्ठी बन जाए यानी हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। एकदम ऐसे टाइट दबा करके मुट्ठी बांध के देखना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम नरम आटा गूंद के तैयार कर देना है। जिस तरह से हम रोटी वगैरह का आटा लगाते हैं सेम वैसे ही हमें इसका भी डो लगाना है। मठरी का सख्त आटा लगाया जाता है, लेकिन गुजिया बनाने के लिए हमें सॉफ्ट डो की जरूरत होती है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी गुजिया का डो लग के तैयार हो गया है, और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि मैंने कितना नरम डो लगा के तैयार किया है। सेम इसी तरह से आपको भी इसका डो लगा के तैयार करना है। अब हम इसे एक कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और दोस्तों, जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम गुजिया का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं, यानी गुजिया की फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है 1 पैन, और पैन में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच इतना घी, और इसमें हम डालेंगे कटे हुए काजू और बादाम को।
आप अपनी मनपसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। जब काजू और बादाम थोड़े से भून जाते हैं ना, तो इनका स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें हमेशा रोस्ट करके ही डालें। और जैसे ही काजू बादाम हल्के से रोस्ट होंगे, तो हम इसमें डाल देंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने घर पे ही नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। इसका हमें पहले ब्लैक वाला हिस्सा हटा देना है और फिर इसे ग्रेट करके ले लेना है। और हम नारियल को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बस इतना ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये गुजिया की रेसिपी इतनी गजब की बनने वाली है ना, कि एक बार आप इसे बना लेंगे तो हर होली पर आप इसी तरह से गुजिया बनाओगे। और दोस्तों, एक बार और आपको याद दिला देती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये लीजिए, हमारा नारियल का बुरादा भी रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। अब हम इस तैयार मसाले में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, और साथ में ही डाल देंगे हम इलायची के दाने। या तो आप इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं, या फिर इसके पूरे दानों को डाल सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप इतना शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप ध्यान से ही डालें, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच इतना और शुगर पाउडर बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, इधर हमारा मावा भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है, तो अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। हमें सभी चीज़ों को हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी गुजिया का मसाला यानी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। तो अब हम फटाफट से बना लेते हैं गुजिया। 1 कप में लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच इतना मैदा, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी स्लरी बना लेंगे, यानी हमें मैदे का पेस्ट बनाना है। और ये लीजिए, इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। और इधर हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है, तो इसे 2 भागों में बांट लेंगे, और फिर हाथ में इसकी लोई बना करके एक बड़ी रोटी सी बेल लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने एकदम पतली रोटी बेल ली, और फिर कोई भी इस साइज की कटोरी ढक्कन ले लीजिए और इसे काट लीजिए। इस तरह से बड़ी रोटी बनाकर ढक्कन से काट लेने से क्या होगा ना दोस्तों, कि एक ही बार में हमारी बहुत सारी गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। आपको ये रोटी थोड़ी सी बड़ी लगे तो इसे हल्का सा बेलन से बेल लीजिए, और फिर इस तरह से बीच में हम 1-1 चम्मच इसमें भुजिया का मसाला भर लेंगे। और फिर अब हमने जो स्लरी बना के तैयार की थी, उसे इसके चारों ओर लगाना है। इससे क्या होगा ना दोस्तों, कि हमारी रोटी अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और फिर इसे एक साइड से उठा करके आधा फोल्ड कर लेना है, और फिर उंगली की हेल्प से हमें अच्छी तरह से दबाना है, क्योंकि गुजिया बिल्कुल भी खुली नहीं रहनी चाहिए, इसे एकदम परफेक्ट दबाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तब हमारी गुजिया फट जाएगी। अब गुजिया पर डिज़ाइन बनाने के लिए आप ले लीजिए एक कांटा, और फिर इसके उल्टी साइड से हमें प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। या फिर आप एक टूथपिक या फिर माचिस की तिल्ली की पीछे वाली साइड से भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने सारी ही गुजिया को बनाकर एक गीले कपड़े से कवर करके रख दिया है, जिससे हमारी गुजिया सूखेगी नहीं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, और इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1-1 गुजिया को। गुजिया को डालते ही हमें एकदम से पलटना नहीं है, ये अपने आप जब ऊपर आ जाए तब हम इन्हें पलटेंगे। और फिर उलट पुलट करते हुए दोनों ही साइड से हमें इन्हें गोल्डन क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और ये लीजिए, हमारी गुजिया दोनों ही साइड से सिक के तैयार हो गई है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और बाकी बचे बेच को भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो है ना दोस्तों, बिना मावा बिना सूजी के एकदम खस्ता कुरकुरी और स्वादिष्ट गुजिया बनाना
इस होली आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर से करना। और आपकी गुजिया कैसी बनी इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।